नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन इंडिया में। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार से मैनचेस्टर में शुरू हो गया। पहले दिन बारिश की वजह से महज 49 ओवर का खेल हो पाया, लेकिन इस दौरान भी बाबर आजम ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी का परिचय देते हुए एक शानदार अर्धशतक ठोक डाला। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन उनके खेल से काफी प्रभावित नजर आए और साथ ही उन्होंने उनकी तारीफ न किए जाने पर अपनी भड़ास भी निकाली। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने की घोषणा होने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना लिए थे। बाबर आजम 69 जबकि शान मसूद 46 रन बनाकर खेल रहे थे। बारिश के बीच बाबर ने टेस्ट मैच की लगातार 5वीं अर्धशतकीय पारी खेली और पिछली 3 पारी में उन्होंने शतक में भी तब्दील किया था। बाबर की पारी को देखने के बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा, अगर ये लड़का कोहली होता तो हर कोई इसके बारे में बात करता, लेकिन क्योंकि वह बाबर आजम है कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। वो युवा है, वो शानदार है और इनके अंदर वो सभी बातें हैं। हुसैन ने यहां तक कह दिया कि बाबर को दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल कर लेना चाहिए, मौजूदा फैब 4 में जगह देकर इसे फैब 5 बना देना चाहिए। वो लगातार फैब 4, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट की बातें करते रहते हैं। ये फैब 5 है और बाबर भी इसका हिस्सा है। आपको बता दें, बाबर आजम इन दिनों शानदार फॉर्म में है। ना सिर्फ टेस्ट मैचेस बल्कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार शतक लगा देते हैं तो अपने आलोचकों को एक करारा जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।